तेरे आने से हो याने बाहर दिल नची जावे धक धक के। कैसी? याद आ गई घर की? घर की याद तो नहीं आई, लेकिन तुम्हारी याद जरूर मुझे यहां खींच लेंगे। भाई सुना है कोई मेरी हीरो की निकालने वाला था, किसी को मेरी बड़ी फिक्र हो रही थी, मुझे घर बुलाना चाहता था। हाँ ये बत्तीसी अंदर करें, और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे तो हर किसी की फिक्र होती है। हाँ लेकिन अम्मा जी बहुत सैड हो गई थी आपकी इस हरकत से। वैसे मैदान छोड़कर भाग जाना बहादुरी तो नहीं। फिर क्या करता रानी, लड़ाई करूं अपने डैड से, अपनी स्टेप मदर से? नहीं यार, मेरी ऐसी तरबियत नहीं है। तो फिर अब क्या करेंगे? जॉब करने वाला मिजाज तो आपका है नहीं, और आजकल तो जॉब इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है। और कब तक तो उसके घर रहेंगे? एक ना एक दिन वो भी माजरत कर लेगा। तुम्हें किसने कहा कि मैं दोस्त के घर रहूंगा? अरे हमारे बड़े अमीर अमीर रिश्तेदार हैं, एक मेरे अंकल हैं बड़े ही पैसे वाले, नौकर चाकर बैंक बैलेंस गाड़ियां सब कुछ है उनके पास, उनके साथ रहूंगा ना। अंकल का नाम क्या था? अंकल जमान। हाँ मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियस हूँ। तो मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ, देखो कितना सीरियस हूँ। अंकल जमान से एक रिश्ता तो है मेरा, बस अब ये दूसरा भी बन जाए ना, मजे हो जाएंगे मजे। आता हूँ। सबसे ज्यादा तो इनकी राल टपक रही है मेरे बाप के पैसे पे। इस दुनिया में ना सारा फंडा ही पैसे का है, हो तो भी मुश्किल, ना हो तो भी मुश्किल। हनी मुझे बता, तूने आना है या मैं तुझे आकर लेकर जाऊं? मुझे तेरी इतनी हेल्प की नीड है पर तू आई नहीं रही है। मैंने कब इनकार किया है? मैं आ रही हूँ ना पाकिस्तान, लेकिन आते ही सबसे पहले मैं अपने मामू की तरफ जाऊंगी। ओ मामू, जिसकी तूने इतने सालों से कोई शक्ल ही नहीं देखी। हनी तू क्यों मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर रही है? आंटी मेरा उनके साथ ब्लड रिलेशन है, अक्सर हम लोग कॉल पे बात करते हैं। अब मामा की डेथ हो गई इसका ये मतलब तो नहीं है कि रिश्ता ही खत्म हो चुका है। मैं दो चार दिन वहीं रुकूंगी और फिर आपके पास आऊंगी। बड़ी जिद्दी है तू, किसी बात पर अड़ जाए ना तो सुनती ही नहीं है। रानिया, रानिया रुको। अच्छा बाय। वो मैं कह रहा था कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। मैंने कहा ना इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैन आती होगी। यार माना कि मेरी सवारी छोटी है, गरीबों वाली है, लेकिन ड्रॉप तो कर ही सकता हूँ, चलो ना। ऐसी फजूल बातें ना मुझसे ना किया कर, मेरे नजदीक रुपए पैसे ज्यादा इंसान और इंसानियत की अहमियत है, और मेरा मेरे बड़े बाप से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही उनके रुपए पैसे से कोई लेना देना। तो आइंदा मुझसे ऐसी फजूल बातें तो हरगिज ना कीजिएगा। हाँ लेकिन हकीकत तो यही है ना रानिया, वक्त का पहिया कुछ ऐसा घुमा कि अब तुम अमीर हो गई हो और मैं गरीब। फिर वही बात, अगर वक्त के पहिए की इतनी ही फिक्र है तो अपने बल पर कुछ करे ना, ना लें किसी का एहसान जिसे मैं नहीं लेती। मैं मेहनत करने की ठान चुका हूँ रानी, तब मैंने सोच ली कि अपने जोरे बाजू पर कुछ करके दिखाऊं। जिंदगी में पहली बार कोई अकलमंदी की बात सुनी आपके मुंह से। कर ले मुस्कुरा कर बातें, मगर स्वीटी बेगम तय कर चुकी है, इस घर में तेरे हैंड कुछ नहीं आएगा, ना मेरे डॉलर्स और ना माहिर, क्योंकि तुमने मेरी तरफ ब्रिक फेंकी थी ना, अब मैं तुम्हारी तरफ स्टोन थ्रो करूंगी। मेरी वैन आ गई होगी, देर कराती मुझे। अरे मैं ड्रॉप कर देता। हेलो, तुमने नाश्ता कर लिया? मौसा कर लूंगा।
अच्छा चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथ से ब्रेकफास्ट बना के खिलाती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, चाची हैं अंदर, उनसे बोलूंगा वो पराठा बना देंगे। थैंक यू। अच्छा सुनो, तुम अमरीका जाना चाहते हो? मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ, ये तो मेरे लेफ्ट हैंड का खेल है। मुझे अमेरिका क्या, दुनिया के किसी मुल्क में भी जाने का शौक नहीं है। ये पाकिस्तान है, माय बर्थ प्लेस, इसको छोड़ के किसी और मुल्क में जाना नो। और लोग होते हैं जो अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे के मुल्क में जाके सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहते हैं, बट नॉट मी। इसलिए थैंक यू एंड सॉरी। ए मोना ते रबील किथे ने, उन्होंने बुलसा देना, वो किचन में काम कर रहे हैं। हला हला चल। अम्मा जी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कर, की कहना? नाओ आखो। क्या है कि खावर ने मोना को बता दिया है कि रफीक भाई फैमिली के साथ आ रहे हैं शादी की तारीख लेने, लेकिन उसके बाद जो उसने मोना को कहा है मेरी तो नींदें उड़ गई हैं। वो लड़का खावर है मासूम मिस्कीन बीबा बच्चा, बिल्कुल बदल गया अम्मा जी, उसके तो पाँव ही नहीं टिकते जमीन पे, आसमान में कहीं फिर रहा है वो। सुने मोना को कहा है कि बड़े अमीर कबीर दोस्त आएंगे मेरे शादी पे, तो जहेज बड़ा शानदार होना चाहिए, मुझे शर्मिंदा ना कराना। उससे कहना हमें भी शर्मिंदा ना कराना, सिर पे सिरा लगा के आना, हमारे भी रिश्तेदार आएंगे, बरादरी वाले आएंगे। हैं अम्मा जी, तो मैं कह रही थी मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से हम जहेज इकट्ठा करेंगे, पायन सलीम की सरकारी नौकरी है वो भी नहीं कर सकते, परजाई और वो तो मंगनी से ही नाराज बैठे हुए हैं, समझ नहीं आ रही क्या करें। इसका तो बड़ा आसान सा हल है, शादी तोड़ दूं। तो क्यों परेशान होनी है, ए मोना दे व्याह दी जिम्मेदारी मैं लेई है ते मैं जिम्मेदारी पूरी करांगी। तू देखी जहेज बनावांगी ते खावर दी औकात तो वध के बनावांगी। तेनू की खाश पै रहे ने, है अल्लाह का दिता हुआ मेरे को इतना है कि मैं तेरे को एहसान नहीं लवांगी। तू फिक्र ना कर सीमा, मैं अपने वादे का पास रखांगी। हे अम्मा जी तुसी ग्रेट हो, मेरी सारी परेशानी दूर कर दी, अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पे रहे। आमीन आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ अंदर चले जाते? नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो इतने दिन हो गए थे आपने हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगाया ना घर आई, क्या आप मुझसे भी खफा हैं? नहीं मैं किसी से खफा नहीं हूँ। झूठ तो मत बोले ना, मेरे बेचारे बाबा आपकी अताप से है, बहुत परेशान है वो। अब बल्कि चले मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। चले नहीं, मैं अब आपके घर नहीं जा सकती। मिया जी प्लीज ऐसा तो मत करें, और आप क्या मेरी बात भी नहीं मानेंगे? बाबा की उस गलती की इतनी बड़ी सजा तो मत दें आप उन्हें। क्या ये गलती काबिले माफी है? क्या ये भूल सिर्फ जरा सी भूल थी? मेरे नजदीक ये जुल्म संग दिली की इंतहा थी, जिसका खमियाजा मेरी माँ, मैंने, मियाँ जी और बेबो ने भुगता है। अब जाके उनसे कह दे कि वो उनके पास वापस चले जाए, जिनकी खातिर उन्होंने हर रिश्ते को तोड़ दिया, क्योंकि अब हमने उनके बगैर जीना सीख लिया। लेकिन उन्हें ये जिंदगी आपके बगैर अधूरी लग रही है, वो आपके मंतजर हैं। अगर क्यों, तो आप कभी उनके पास नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं।
फालतू फिल्म है, बच्चों वाली फिल्म है बिल्कुल। एमी तुम डरियो, कोई भूत-छूत नहीं होता। अभी देखना, अभी फिर से कुछ भी नहीं होगा। घंटे से यही हो रहा है, दिखा तो रही है भूत। इसका मतलब है किस्मत मेरा साथ दे रही है। रानिया तो मूवी देखने में मसरूफ है। स्वीटी जी, स्वीटी जी, स्वीटी जी, ओए स्वीटी जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और रफीक भाई आने वाले हैं, हद हो गई है, जल्दी करें ना, आए बाहर चलें। तबीयत चोरी हो गई है, चोरी हो गई है। वो ये क्या कह रही है स्वीटी जी आप? हाँ तबीयत, मेरे $1,000 और मेरी डायमंड की रिंग मैंने खुद अपने पर्स में रखी थी, वो नहीं है, वो गायब हो गई है, वो चोरी हो गई है। अच्छा आराम से, आराम से, आप आराम से ढूंढे, यही कहीं पे होंगी चीजें। हमारे घर से कभी कोई चीज चोरी नहीं हुई है। मैंने हर जगह अच्छी तरह देख लिया है, मुझे मुझे पता है चोरी हो गई है। स्वीटी जी आए, मैं आपके साथ मिलकर ढूंढवाता हूँ, आए, आए देखते। मुझे पता है कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, मैं जानती हूँ चोरी किसने की है, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। ओए आहिस्ता बोले स्वीटी जी, ये क्या कह रही हैं आप? हम इस घर में किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते चोरी का। चोरी इसी घर में हुई है तो मैं इल्जाम भी इसी घर में रहने वालों पे लगाऊंगी। तुम भले से यहाँ मुंह छुपा के बैठे रहो। अब मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ दादी कि सारी जिंदगी अपने अमीर बाप की कमाई पर ऐश करता रहूं। आहो पुत्र, अमीर बाप नहीं, सौतेली माँ के डॉलर। वो बाजी तो इतना डॉलर डॉलर करती है, मैं तो सोच रही अपनी तनख्वाह भी अब डॉलर में ले। वैसे आइडिया बुरा नहीं है शहंशाह, है ना? हाय हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, हाय हाय। मेरा दबीर, मैं कितनी बार उन्हें आखिया सी के ए निहारी ते सिरी पाए ते मगर ना खा, कोरमा ना खा, कदी मेरी गल नहीं सुनदा। जाके देखो तुसी की होया, उन्हें अस्पताल लेके जाओ। भाभी इसी वक्त चूड़ियां पहनी और थोड़े मेज पे तुसी दोवें की अखा फाड़ के देख रहे हो। जाओ लेके जाओ अस्पताल, कोई हो सकता है कोई उम्मीद होवे अजे तक। मैं जा रहा हूं मयूर, एम्बुलेंस को, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूं। ओके 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 ओके। डैड, अरे डैड तो यहां पे क्या हुआ आपको? कैसे भाई, दिल के दौरे के बाद कोई ऐसे चहल कदमी करता? आपने तो मुझे दिन में तारे दिखा दिए कसम से। क्या हुआ, क्या मैं ठीक हूं? पीछे हट। अच्छा भला तुम्हारे सामने मुझे क्या, काहे का दौरा, मुझे काहे का दौरा पड़ा भाई? अरे तुम्हारे डैड की ना काफी मोटी खाल है, लुट तो मैं गई हूँ, बर्बाद तो मैं हुई हूँ, मेरे सारे डॉलर और मेरी डायमंड की रिंग चोरी हो गई है। सिटी सैफा तो तू एवे पाया सी जिवें मेरे दबीर नु कुछ हो गया। तुम देख लेना तुसी सारे, एक दिन मैनू हार्ट अटैक पावेगी। अम्मा जी आपको ना दबीर के लिए इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खैर ए लंबी बहस है, अभी तो मुझे अपना चोर चाहिए जो मेरी चीजें चोरी करके भाग गया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमें क्या पता है? और हजारों लोग लुटते हैं रोड के ऊपर, किसने कहा था पर्स में डायमंड रिंग रखें और डॉलर रखें? बीबी चोरी इसी घर में हुई है और मैं जानती हूँ कि चोर कौन है। लो तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है, अगर पता है तो पकड़ ले। लो पकड़ लिया मैंने चोर। क्या कर रही हैं आप, मेरा और आपका मजाक का रिश्ता नहीं है? हेट का तो रिश्ता है ना, मैं शुरू से जानती हूँ तू मुझसे हेट करती है। अरे अगर तुझे पैसों की जरूरत थी ना तो तू मुझे बता देती, मैं तुझे वैसे ही खैरात कर देती। पर तूने चोरी करना सही समझा है ना, तुझे तो बचपन से याद होती होगी पैसे चुराने की। स्वीटी आंटी, आप जानती भी है कि आप कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है रानिया पे? इसको क्या जरूरत है आपके डॉलर चोरी करने की? छोड़े आप इसके हाथ, छोड़े, हटे यहाँ। अरे इसी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, यही जॉब जॉब करती थी, इसे ही सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी। सीधी चुप हो जा, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू इस घर की वड्डी नूह है। आपका जो दिल चाहे आप करती रहे, मगर मैंने इसके रूम की तलाशी लेनी है। खबरदार, अगर किसी ने ये जुर्रत दिखी तो
इतने ही महीर गुस्सा क्यों हो रहे हो? हम सबको पता है कि रानिया ने कुछ नहीं किया, तो फिर डर क्यों रहे हैं? लेने दो तलाशी स्वीटी भाभी को, हैं, तसल्ली होगी उनके दिल को। और अगर रानिया के रूम से आपके डॉलर्स नहीं मिले तो आप सबके सामने माफी मांगेंगी इससे? ठीक है, मैं सबको अपने वर्ड्स देती हूँ कि मैंने इसकी रूम की तलाशी ली, और अगर इसके रूम से कुछ नहीं निकला ना, तो मैं अपने कान पकड़ूंगी, मैं अपनी नाक इस लड़की के आगे रगड़ूंगी, लेकिन मैंने इसके रूम की तलाशी लेनी है। बस हो गई है तेरी तसल्ली, पै गई है कलेजे बैठाने तुझे, और ये देखो खुदा करिए और बस कर अब ये तमाशा, और वो देख जरा और कैसे बेचारी का बुरा हाल हुआ हुआ है, माफी मांग इससे। एक मिनट, कोई हाली भी अभी तसल्ली नहीं हुई यार, किस किस्म दी औरत है। बस ठीक था मेरा शक। ये यहां सब कैसे आया? मैं नहीं जानती। मुझे आहो तैन नहीं पता, तैन क्यों पता होगा? है मैंने क्या? हाँ तुम तो बड़ी इनोसेंट हो, इसकी तो टांगे लगी थी, जो चल के तुम्हारे कमरे में आ गए डॉलर, और फिर तुम्हारे तकिए में छुप के बैठ गए। मैं तो कभी इनके कमरे में भी नहीं गई, मैं कैसे लेकर आऊंगी? मैंने पता है, तू चुप कर जा। मैंने नहीं किया। मैंने पता है, झूठी है कि तू। ये स्वीटी आंटी ने खुद ही रखा है। तोबा तोबा तोबा, चोरी गई कि मुझ पे इल्जाम लगा रही है? मैंने तो तेरे कमरे की आज तक शक्ल नहीं देखी है, मैं क्यों करूंगी ये सब? मामा रात को ना स्वीटी, चुप कर दबीर, ये लड़की है चोरनी, मैं चोरनी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं निकाल रही हूँ उसको इस घर से। चल तू, अरे चल चोर गई थी, इसे कैसे निकाल लेंगे यार? ये हो क्या रहा है माफ़ी? मैंने कहा यहाँ हो क्या रहा है? अगर मेरी बेटी की तरफ किसी ने टेढ़ी निगाह से देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आप सब खामोश क्यों खड़े हैं? कोई मुझे बताएगा आखिर हो क्या रहा है? ज़मान, और ये ना दौलत के गुरूर में ना पागल हो गई है, इसकी गर्दन में ना सरिया आ गया है, लेकिन इसने जो इल्जाम लगाया ना हमारी बच्ची पे, हम सबने रद्द कर दिया उसको। हम जानते हैं हमारी बच्ची ऐसा घटिया काम कर ही नहीं सकती। जमान पहन रानिया पुत्र, ये देखो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, इस घर में तुम्हारे पे उंगली उठाई गई, बेबुनियाद इल्जाम लगाया, मैं सबकी तरफ से माफी मांग रहा हूँ, माफ कर दो। इतनी दलेर थी तो सामने से वार करती ना, क्यों पीठ पीछे बुजदलों की तरह क्यों वार किया? कुछ तो हिम्मत दिखाती। बुजदिल दुश्मन बहादुर दुश्मन से भी बदतर होता है स्वीटी आंटी, और आपने जो ये इल्जाम लगाया है ना, ये सिर्फ रानिया पे नहीं लगाया बल्कि हमारी खानदानी इज्जत पे लगाया, और इसको हम कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रखेंगे। ओहो, ये तो वही मिसाल हो गई कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। तुम सबको पता है कि ये लड़की गलत है, पर ये तुम लोग की रिश्तेदार है तो तुम लोग को सही लग रही है, और मैं सही हूँ पर मैं आउटसाइडर हूँ, तो मुझसे किसी को हमदर्दी नहीं। Shut up, shut up! खबरदार जो इस लड़की पे एक भी लफ्ज बोला तुमने तो मैं तेरी ज़ुबान निकाल। Control yourself, Mr. दबीर, तो मेरे घर में मुझसे ये बात कैसे कर सकते हो? मैंने एक कॉल करनी है बेसी को, वो सब यहाँ आ जाएंगे, और वो ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे ये सारे घर वालों को ना जेल में भेज देंगे, समझे तुम? चलो रानिया बेटा, मेरे साथ चलो, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। इस औरत को बताऊंगा कि ऐसे हजारों घर ले सकता हूं अपनी बेटी के लिए, चलो। नहीं, जमान अंकल प्लीज, आप रानिया को लेकर कहीं मत जाएं,
आई एम सॉरी बेटा, लेकिन अगर रानिया खुद मुझसे कहे कि वो यहां रहना चाहती है, फिर भी मैं उसे यहां रहने नहीं दूंगा। ये कोई यतीम नहीं है, कोई बेआसरा लड़की नहीं है कि जो चाहे जब चाहे इस पर इल्जाम लगा दे। इसका बाप अभी जिंदा है और ये अपने बाप के साथ ही रहेगी, और अगर किसी में दम है तो मुझे रोक के तो दिखाए। चलो बेटा। इस कमजात औरत ने मेरे मेके दी आबरू पैरा तले रोन दिती, मासूम बच्ची से चोरी का इल्जाम लाया। अम्मा जी इल्जाम तो ना कहे, पता नहीं क्यों आप सब लोग आंखों देखी मक्खी निकलने को तैयार हैं। छड़ दे साडा पिछा, छड़ दे ते चली जा, जितो आई है उतने चली जा वापस। अजीब बात है, आप सब लोगों को उससे हमदर्दी है, आप लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं खुद रानिया के कमरे में गई और जाके दौलत रख कर आई कि जा बेटा जा याशी कर। अजीब बात है बाबा। आप यार टीपू बस कर इस वक्त, जा अपने कमरे में, जा मेरा पुत्र जा। परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएगा सब। ठीक होगा चले। क्या बात है? प्लीज बेटा प्लीज, ये रोना तो बंद करो। अब रोते तो सिर्फ कमजोर लोग हैं, और तुम्हें किस चीज की परेशानी है? तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ खड़ा तो है। अब समझ आई आपको, अपने बाप के बगैर कैसे जिंदगी गुजारी होगी? मियां जी ने कैसे अपने बुढ़ापे को, कमजोरी को संभाला होगा सिर्फ मेरे लिए, मेरा साया बनने के लिए कैसे कैसे धूप में जले होंगे। बेटा मुझे माफ कर दो, भीड़ ने मुझे सिर्फ अकेला समझ के मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया, मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया। अभी तो सब मुझे बेकसूर कह रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त उनके दिल में आएगा ना कि शायद मैंने ऐसा किया है, मैंने किसी जरूरत के तहत ये घटियापन किया है। मैं तो किसी को सामना नहीं कर सकती, कभी भी नहीं, कभी नहीं। आप मुझसे वादा करें आप डॉक्टर वासी को कुछ नहीं करेंगे, उन्हें कुछ नहीं बताएंगे, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं इतनी फिक्र क्यों कर रही हूं? प्लीज इतना मत सोचो। देखो वहां तुम्हारे बारे में ऐसा कोई नहीं सोच रहा था और ना ही सोचेंगे, सब तुम्हारे साथ खड़े थे। खामा खा अपने जहन पर इतना बोझ क्यों डाल रही? अब चलो शाबाश आओ। सवाल यह है कि सिर्फ रानिया पर क्यों शक? इस घर के लोगों की रानिया से भी बुरी सिचुएशन है। हमाद मामू को देखा है, जॉबलेस हैं वो, उनके बच्चों के अखराजात, और मामी, मामी को सारा दिन इस बात का दुख लगा रहता है कि स्वीटी आंटी जितनी वो अमीर क्यों नहीं है, इतने महंगे महंगे कपड़े क्यों नहीं पहन सकती। और मैं, मेरे तो सारे खर्चे दबीर मामू उठाते हैं ना, तो फिर उन्होंने हम सब पे शक क्यों नहीं किया? सबसे पहले तलाशी रानिया के कमरे की क्यों?
क्योंकि वो रानिया को सबके सामने जलील करना चाहती थी, सबके सामने जलील करके रानिया को इस घर से निकलवाना चाहती थी, क्योंकि जाहिर है रानिया ही तो थी जो इस घर में उनकी बात नहीं मानती थी, उनसे बहस करती थी। अच्छा, तो ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। पूरी प्लानिंग के साथ रानिया को इस घर से निकलवाया गया है। दादी मयूर गड्डी कड ते मैनू रानिया दे कोल लेके चल, कोई सवाल ना पूछी मेरे को, बस गड्डी निकाल। कहां से निकालूं दादी, गाड़ी की चाबी भी तो आपकी उस चहीती बहू के पास है और मैं उनसे जाके चाबी नहीं मांगूंगा। तो फिर टैक्सी फाड़, मैनू लेके चल। ठीक है, कैब मंगवाता हूं। मैं भी साथ जाऊंगी। ओके। मैं कौन हूं? इस घर की बड़ी बहू जिसके ऊपर इस पूरे खानदान को पालने की जिम्मेदारी डाल दी गई है, और मेरी इज्जत? टके की इज्जत नहीं है तुम्हारी, और इज्जत उसकी होती है जो अपनी इज्जत खुद बनाता है, और तुमने तो मेरा सारी शर्म से झुका दिया है। उस पराई लड़की पर सबको इतना भरोसा है, और जिसका नुकसान हो गया उसकी किसी को परवाह नहीं। वो तुम्हारे नुकसान की ऐसी की तैसी, और रानिया ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था जो तुम उसकी दुश्मन बन गई हो? ओ, अब समझा मैं, तुम ना बारी बारी इस घर से सबको निकालना चाहती हो क्योंकि तुम हमारे घर पे कब्जा करना चाह रही हो। तुम्हारा घर, तुम्हें शर्म नहीं आती? किस मुंह से तुम इस घर को अपना घर कह रहे हो? ये घर मेरा है। मेरी तो पहले एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि मेरी नेम प्लेट इस घर के बाहर लगे, पर अब मेरी जिद बन चुकी है। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि स्वीटी जिस चीज के पीछे पड़ जाए ना उसको अपना आके छोड़ती है। ये क्या कह रहा है यार, तो स्वीटी आंटी का रानिया पर चोरी का इल्जाम, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? रानिया भी बहुत रो भी रही थी। तो बात ही रोने वाली है यार, तो उनके घर वालों ने कुछ बोला नहीं क्या? सब बोल रहे थे कि रानिया भी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन ये स्वीटी आंटी है ना, ये बहुत चालाक हैं। उन्होंने डॉलर्स रानिया भी एक कमरे में रखे होंगे, इसलिए वो रात को उनके कमरे में गई थी। एक सेकंड, आंटी रानिया के कमरे में गई थी, लेकिन कब और तुम्हें ये बात किसने बताया? मैंने खुद देखा था, मैं रात को पानी पीने के लिए उठा था। तसली से सारी बात बताओ, बताओ क्या हुआ था उस रात को? ओ अच्छा, बात सुनो, तुमने ये बात सबको बता दी? मैं सबको बता रहा था, लेकिन कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। सब कह रहे थे कि तुम खामोश हो जाओ। चलो कर चलो मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे घर वाले कैसे नहीं मानते। चलो समान पुत्र, मैं नहीं कोई शर्मिंदा कि मेरे अपने घर, मेरे जीवंदे जी, मेरी बच्ची रानिया ते ना कटिया इल्जाम कोई लावे। मैं कहनी है कि मैं अपने पैरा नूं ते अपनी बच्ची रानिया नूं अपना मूंह किस तरह विखावांगी, ते नाले इस शर्मिंदगी दे नाल जिंदा कैसे रवांगी। ओपो, आप ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही है? इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। पुत्र, रानिया ते साडे किसी दा किसी दी बूथी वेखण नूं तैयार नहीं होवेगी। तू साडी सिफारिश कर, रानिया नूं आख के साडे कोलों साडे से मूंह ना मोड़े है, ते ओह अपने दिल च कोई बदगुमानी ना रखे साडे वल्लों। नहीं पप्पो, नहीं, वो आप लोगों से बदगुमान बिल्कुल नहीं है। उस बेचारी को तो इस बात का डर है कि कहीं आप लोग भी स्वीटी की बातों में आकर इल्जाम उस पर ना लगाए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं अंकल, हम रानिया को भी जानते हैं और मिसेस दबीर के रवैये के भी सब गवाह। हम में से कोई भी रानिया के बारे में गलत नहीं सोच सकता। थैंक यू, अगर तुम समझ सकते हो ना ये कितना घटिया इल्जाम है। मेरी बेटी की रूह अंदर से जख्मी हो चुकी है, इस लम्हे को बुला ही नहीं पा रही। शाबाश, गाल सुन, जो जो तूने यहाँ हम लोग को बताया ना, एज इट इज वहां जाके बताना है। चल शाबाश चल। मैं भी चल रही हूँ, और वापस आकर ना स्वीटी को शर्मिंदा करना है। और तुम कहाँ जाओगी भाई? मैं अम्मा जी को सारी डिटेल बता दूंगा, उनके गोश गुजार कर दूंगा। नहीं हमाद, ये बड़ा अहम मौका है, इस पे मेरा जाना बहुत जरूरी है।
एक बात नहीं समझ आ रही, जो इतनी देर से वफात पाए हुए थे ये फिल्मी तरीके से जिंदा कैसे हुए? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो अचानक कैसे आ गए? हमाद गौर से देखा था, वो वाकई रानिया के अब्बू जी थे। वो जमान पाई थे, मैंने गौर से देखा था, लेकिन वो फौत नहीं हुए थे, इसलिए वहां जाकर कोई पुठी सीधी गाल नहीं करनी। ठीक है, चल पुत्र हम जा रहे हैं भाई, चल आ जा। जिंदा लोगों का कौन सा? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। रानिया, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं मिसेज दबीर की, मतलब उनकी बात पर ट्रस्ट करके मैं तुम पे शक करूंगा? कभी नहीं, भरोसा है मुझे तुम पे। मैं कल भी तुम्हारे साथ खड़ा था और आज भी तुम्हारे ही साथ खड़ा हूं। इतना यकीन है मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। हाँ, अपनी बात की जाए तो सेल्फिश होके मैं ये कर सकता हूं कि मेरी रानिया कभी नहीं कर सकती। अब दादी और राबिल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मिलने हैं तुमसे। अम्मा जी आई है, पहले क्यों नहीं बताया? अब तो बता दिया ना, चलो। रानिया बेगुनाह है, ये तो सानू पहले दा यकीन सीगा, पर हुन जेड़ा है सबूत मिले ना, ये तो मैं सिटी के मुंह पे जाके सुटूंगी। ये बच्ची ते ना कटिया इल्जाम लगाया, मैं तो उसको कभी माफ नहीं करांगी। हैं, उसने मेरी ते मेरे मेरे मैके दी बेइज्जती की थी। बैठिए ना अम्मा जी। जदों तक तू अपनी अम्मा जी नू माफ नहीं करेगी ना, मैं खलोती रवांगी। मेरे अपने घर च, मेरी मौजूदगी विच उस औरत ने इतना घटिया इल्जाम तेरे उत्ते लाया, मैं ते अपने आप नाल नजरा नहीं मिला सकती, इन्ना सदमा होया मैनू। तुमको मुझ पे यकीन है ना, बस यही काफी है मेरे लिए। आप प्लीज बैठे, बैठ जाइए। रानिया पुत्र, कुदरत ने भी हक का साथ दिया है, तुम्हारी तो गवाही भी मौजूद है। तब दे तो हम छेती छेती अम्मा जी के पीछे आ गए। स्वीटी आंटी ने जिस दिन तुम्हारे कमरे में डॉलर्स रखे थे ना, टीपू ने अपनी आंखों से उन्हें देख लिया था। क्या, टीपू ने देखा था? तो बोला क्यों नहीं था बेवकूफ? माहिर भाई, मैं तो उसी वक्त बता रहा था, लेकिन किसी ने मेरी सुनी ही नहीं, क्योंकि मैं बच्चा हूं ना। रानिया पुत्र, हम घर चल। तू पोपो, इसका बाप अभी तक जिंदा है और मेरी मौजूदगी में मैं इसे अपने आप से जुदा नहीं कर सकता। उमा जी, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, और मोना की शादी की सारी तैयारियां भी करवाऊंगी। आप फिक्र ना करें, आप लोग ही तो मेरे अपने हैं। शाबा मेरी शहजादी, मेरी दलेर थी। मैं पता है तू पहले भी कदी किसे कोलो नहीं डरदी सी, हुन अगे भी ना डरी। छा ये जिहड़ी हैगी ना सीटी, ए ते धूल मट्टी हैगी राह दी, इहदी परवाह ना करी। छा समझ रही है ना मेरी गल? अल्लाह तो शुक्र है मामला खत्म हुआ, अब दूसरी स्टोरी की तरफ आ जाते हैं ना। मैं तो कब से बेचैन हूँ सुनने के लिए। अल्लाह खैर, हुन की होया है? रानिया के अब्बा जी कहां से टपके, मेरा मतलब है कहां से एकदम हमें भी बताना हक है ना। वो इसको बता दे, वरना ये ना बेचैनी वैसे गोल गोल चक्कर लगाती रहेगी। आहो हालत दस नहीं है मैं। ये सब लोग कहां चले गए हैं? वो रानिया बाजी के फादर के घर गए हुए हैं। भाड़ में जाएं, who cares? स्वीटी जी, अपना मुंह तो ऑफ मत करो ना, मैं तो आपको दाद देना चाहते है बाजी। क्या जैन पाया आपने, जब से सुना है मेरा तो तन मन हिल गया है बाजी। मतलब कि चलाक सी रानिया के ऊपर चोरी का इल्जाम, क्या साजिश किया बाजी, मैं तो तुम्हारा फैन हो गया कसम से।
मैंने कोई साजिश नहीं की है, मेरी यहाँ वाकई में चोरी हुई है। बाजी हमसे क्या छुपाना, हम इस घर का मुलाजिम लोग है, हमको सब पता चल जाता है। बाजी कसम से मैं भी बिल्कुल आपकी तरह चलाक और मकार है। मैं तो कहता हूँ मुझे अपनी शागिर्दगी में ले लो, मैं कल सुबह के पास ट्यूशन पढ़ने आ जाता हूँ, आपके बिल्कुल लेवल तक चालबाजी करना चाहता हूँ। अगर मैं चलाक होती ना तो ये सब लोग मेरे घर में ना इस तरह रह रहे होते और मेरे डॉलर्स पे याशी ना कर रहे होते, यानी मेरे घर में रह रहे और मुझे भी रोब जमा रहे। मैं क्या कोई वो मैं क्यों कमी कमीन होने लगी। देखो ये घर मेरा, मुझे बाहर गाड़ी खड़ी हुई है वो भी मेरी, अमेरिका में जो सुपर स्टोर्स है वो भी मेरे। कमी कमीन वो होते हैं जो औरों के पैसों पे पल रहे होते हैं। खैर मैंने भी अब सोच लिया है, पहले तो मैं ये सारी चीजें अपने नाम कराऊंगी, उसके बाद दबीर को मैं एक दफा अमरीका ले गई ना वापस नहीं उसे आने दूंगी। बल्कि अब तो मैंने सोच लिया है असल के साथ ना सूद भी वसूल करूंगी। मतलब अभी क्या सब कुछ मैं तुम्हें बता दूं? तेरे आने से हो याने बहार, दिल नची जावे धक धक के।